सशिकाल, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीन्स को खरीदने के बारे में, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है सो दैट आप अपनी परफेक्ट फिट की जीन्स खरीद सके। मेरे दिमाग में ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि मैंने अपनी जीन्स बहुत टाइम के बाद ऑलमोस्ट लाइक 6-7 ईयर्स मैंने अपनी जीन्स खरीदी। मैंने अच्छी तरह से रिसर्च की उससे पहले एंड देन आई बॉट द परफेक्ट पेयर फॉर मी। सो इस वजह से मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी वो चीजें मुझे शेयर करनी चाहिए। सो इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप जीन्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी तरह की जीन्स मिलती हैं, डिफरेंट स्टाइल्स, कट्स, वॉशेस, डिजाइंस, कलर्स, बहुत सब कुछ अलग होता है। लेकिन ये डिफरेंट सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप अच्छे लगे, इनका एक और भी पर्पस होता है। वो ये होता है कि हर जीन्स या हर वॉश आपके लिए अलग काम करेगा। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि आप बिना ट्राई किए हुए अपने साइज की जीन्स कैसे खरीद सकते हैं। आज के कुछ टिप्स भी उसी की कंटिन्यूशन में होंगे, लेकिन हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी बॉडी शेप की, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको जीन्स फिट करानी है। बहुत सारी डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं, पियर, आवर ग्लास, एथलेटिक, इन्वर्टर ट्रायंगल, ट्रायंगल, स्ट्रेट, रेक्टेंगल, सर्कल, बहुत डिफरेंट तरह की शेप्स आती हैं। सो आपकी शेप कौन सी है उस हिसाब से आपको जीन्स फिट आनी चाहिए। जीन्स को खरीदने से पहले आपको बॉडी शेप का पता होना चाहिए, इनमें से कौन सी आपकी बॉडी शेप है उसके अकॉर्डिंगली ही आप जीन्स का कट और जीन्स की राइज चुन सकती हैं। इसी वजह से ही अलग अलग तरह की जीन्स भी होती हैं, लो राइज, मिड राइज, हाई राइज, बहुत डिफरेंट तरह की जीन्स आती हैं। जब हम इनमें डिफरेंस की बात करते हैं तो जो लो राइज जीन्स होती हैं वो आपके बेली बटन से काफी नीचे सिट करती हैं। जब हम मिड या हाई राइज की बात करते हैं तो मिड राइज में आपका जो बेली बटन है उससे तकरीबन जो आपकी जीन्स है 1 इंच नीचे तक होगी, लेकिन जो हाई राइज है वो बेली बटन तक या उससे थोड़ी सी और ऊपर भी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी शेप रेक्टेंगल है, एथलेटिक है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है तो आपके लिए लो राइज जीन्स बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी पियर शेप्ड है या इसके अलावा आवर ग्लास फिगर है आपकी, तो मिड टू हाई राइज जीन्स आपके लिए बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नहीं है, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको मैं आपको सिंपल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आवर या पियर शेप्ड बॉडी है जिसमें आपके जो बटन एरिया है या आपका जो बैक साइड है या जो आपका जो वेस्ट का एरिया है वो थोड़ा बड़ा है या वो आवर ग्लास है वो बॉडी के अकॉर्डिंगली बड़ा है, तो वहां पे अगर आप लो राइज जीन्स लेती है वो एरिया तो जा रहा था ऊपर तक आपके बेली बटन तक, लेकिन आपने जो जीन्स ली वो ली आपने अपने वेस्ट तक, तो होगा क्या, हर बार आपकी जीन्स नीचे गिरती जाएगी और आप उसे खींचते रहेंगे। इंस्टेड अगर आप एक हाई राइज जीन्स लेती हैं तो वो अच्छी तरह से आपकी बॉडी को हग करते हुए, प्रॉपर बॉडी को एक्सेंचुएट करते हुए ऊपर बेली बटन तक सिट करेंगी। सो दिस इज द डिफरेंस जिस वजह से आपको अपने हिसाब से बॉडी की शेप के हिसाब से आपको जीन्स लेनी हो। इसके अलावा जो आवर ग्लास या पियर शेप बॉडीज होती हैं वो ज्यादा स्ट्रेच भी ले सकती हैं, क्योंकि वो बटन स्पेस ज्यादा स्ट्रेच करेगी जीन्स और फिर उसने टाइट होना है आपकी बेली बटन के पास में। सो आपको अपनी जीन्स में स्ट्रेच का ध्यान रखना जरूरी है। जब बात आती है जीन्स के कलर की तो आपको लाइट से लेके डार्केस्ट कलर मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, जो डार्क कलर होता है वो आपको पतला दिखाता है और जो लाइट कलर होता है वो आपको बड़ा दिखाता है। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आपको अपने आप को पतला और लंबा दिखाना है तो आप डार्क कलर चूज कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके किसी बॉडी पार्ट पे ज्यादा ध्यान जाए तो आप लाइट कलर भी ले सकती हैं, लेकिन अगर आप लाइट कलर लेंगी उससे आपकी हाइट जो है कम दिखाई देगी। जो डार्क कलर की जीन्स होती हैं ज्यादा पॉलिश लगती हैं, स्टाइलिश लगती हैं, आपके ऑफिस के जो कैजुअल डेज हैं आप वहां पे भी उन्हें पहन सकते हैं। लेकिन जो आपकी लाइट कलर की जीन्स होती हैं वो आपकी कैजुअल लुक होती है। बेसिकली जितना लाइट कलर होता जाएगा उतनी ही जीन्स और कैजुअल होती जाएगी। रंग के और भी बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार डार्क शेड जीन्स में आपको लाइट कलर का पैच होता है, आपके थाइस पे हो सकता है, बैक साइड पे हो सकता है, कहीं पे अगर वो पैच है तो उस जगह पे देखने वाले का ध्यान ज्यादा जाएगा। जहां जहां वो पैचेस होंगे या जहां वो स्ट्रिप होगी या जहां पे कलर लाइट है जीन्स का वो जगह आपकी बड़ी दिखाई देगी। वो एक इल्यूजन होती है जो वो कलर क्रिएट करता है कि वहां पे ही सबसे पहले देखने वाले की नजर जाती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पूरी कोहेसिव लुक चाहिए तो उस केस में आपको एक कलर की या सिंगल कलर की या थोड़ा सा जो ऊपर नीचे कलर हो जाए आपको वही लेने की जरूरत है।
अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिनका आपको ध्यान रखना है जीन्स खरीदने के बाद। सबसे पहले बात आती है जीन्स के जिपर की। अगर आप बहुत सारे जीन्स को आपने ट्राई किया हो या अगर आपने देखा हो तो आप देखेंगे कईयों का छोटा जिपर होता है, कईयों का लंबा जिपर होता है। सो इसमें डिफरेंस ये रहता है कि आपका जिपर जहां पे खत्म होता है वहां से जो क्रॉच एरिया है उसका टोटल स्पेस कितना है। जितना ज्यादा स्पेस रहेगा आप जब चलेंगे उतनी वहां पे सिलवटें होंगी, सो वो उतनी ही नहीं अच्छी लगेगी। सो कोशिश कीजिए अगर आपका जिपर थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा लंबा आपको नहीं चाहिए, लेकिन क्रॉच एरिया से जो जिपर के एंड है उसका अगर डिफरेंस कम है वो जीन्स आप पे बहुत सूट करेगी। नेक्स्ट बात आती है जीन्स की पॉकेट की। जो पीछे की पॉकेट्स है आपकी जीन्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी छोटी आप पॉकेट लेंगे उतना ही आपका बटक जो है वो बड़ा लगेगा, जितनी बड़ी लेंगे उतना ही आपकी बॉडी को देखने में अच्छी नहीं लगेगी। सो आपको एक तो एप्ट साइज लेना है अपनी पॉकेट का जो आपके बटक के ऊपर एकदम एग्जैक्ट सेट फिट हो जाए। इसके अलावा आपकी जीन्स की बैक की जो मिडिल लाइन होती है वहां से पॉकेट्स का डिफरेंस कितना है। अगर तो वो स्पेस काफी ज्यादा है तो वो आपको अलग सी लुक देगा, अगर वो कम है तो वो फिर आपके बटन को बहुत ही खराब लुक देगा। सो वहां पे आपको एक मिड या एवरेज सी स्पेस आपको देखनी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा या बहुत कम ना हो। जब बात आती है पॉकेट की लेंथ की तो जहां पे आपका बटन खत्म होता है आपकी पॉकेट भी वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको ऐसा लगता है कि फैशन में ये आ गई है चीज आपको वही लेनी है, सो दैट इज रॉन्ग। मेरी बॉडी शेप वही रहने वाली है, मेरे ऊपर जो जीन्स जचेंगी वो एक पर्टिकुलर तरह की ही होगी। जैसे आजकल की मिड या हाई राइज का फैशन है तो ये नहीं कि आपको वो खरीदनी है क्योंकि मार्केट में ऐसा ट्रेंड चल रहा है, आपको अपनी शेप का ध्यान रखना है और फिर ही उस जीन्स को खरीदना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको जीन्स में ऑल्ट्रेशन की जरूरत है तो प्लीज ऑल्ट्रेशन जरूर करवाए। मैंने बहुत बार देखा है लोग बगैर ऑल्ट्रेशन के जीन्स पहनते हैं, वो पूरी लुक खराब करती है। सो बहुत थोड़ा सा काम होता है, ऑल्ट्रेशन जरूर कराए, आपकी पूरी की पूरी लुक चेंज हो जाती है। Here we come to the end of today's video. अब हम आ गए हैं इस वीडियो के अंत में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स है सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो यस, मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।